Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So we were discussing media planning, in which we were discussing five media decisions which we need to take. So पहले तीन हम already discuss कर चुके हैं, that is deciding on the reach, frequency and impact, choosing the major media types, media mix, and next one was selecting the specific media vehicle. ये तीन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी विद द इंट्रोडक्शन. आई होप यू हैव सीन द वीडियोस. इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियोस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस. हम ये डिसीजंस एक सीक्वेंस में ले रहे हैं. आपको सारे डिसीजंस लेने हैं तभी आपका मीडिया प्लान बनेगा. सो प्लीज़ सी ऑल द वीडियोस, प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स, देन ओनली यू कैन मूव ऑन टू अंडरस्टैंड the entire concept, and then only you will be able to develop a media plan. तो अगर आप कभी केस बेस्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ये चीज़ें ही नहीं पता तो आप कभी भी केस बेस्ड क्वेश्चन ढंग से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे. सो यू इट इज़ नॉट दैट यू विल यू नो रीड वन स्टेप एंड देन रीड अनदर स्टेप एंड लीव द रेस्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन टोटल. सो टुडे वी आर डूइंग द फोर्थ वन, दैट इज़ डिसाइडिंग ऑन मीडिया टाइमिंग. एक बार ही हमने देख लिया कि मीडिया की रीच, फ्रिक्वेंसी, इम्पैक्ट कितना है. हमने अपना मीडिया मिक्स चूज़ कर लिया. हमने उस मीडिया मिक्स के बाद देख लिया कि हम कौन सा स्पेसिफिक व्हीकल यूज़ करना चाहते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने व्हीकल चूज़ करा है, जैसे आपका न्यूज़पेपर आपने जो चूज़ करा है, फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक टाइम्स चूज़ करा, और अगर आपने टीवी चूज़ करा है तो आपने उसमें स्पेसिफिक चैनल चूज़ कर लिया, जैसे कि आप NDTV में देना चाहते हैं या आज तक में देना चाहते हैं. यहाँ तक आप कर चुके हैं. अब हम फोर्थ स्टेप में डिसाइड करेंगे कि हमें ऐड कब कब देनी है. सो द टाइमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू शो द ऐड इन द चूजन व्हीकल. सो हम आज चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डिसाइडिंग ऑन द मीडिया टाइमिंग, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मीडिया स्केड्यूलिंग. सो लेट्स स्टार्ट. मीडिया स्केड्यूलिंग में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं अपना टाइम का. मीडिया में हम किस टाइम पर एडवर्टाइजमेंट देंगे, इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैक्रो स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम एंड माइक्रो. मैक्रो में आप डिसाइड करोगे जो आपके एडवर्टाइजिंग का पैटर्न है थ्रू आउट द ईयर, राइट, वो कैसे होगा. इसके आपके डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो मैक्रो स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम मीन्स डिसाइडिंग द पैटर्न ऑफ एडवर्टाइजिंग इन अ ईयर, राइट. आप पूरा साल कंसिस्टेंटली ऐड देंगे या कुछ महीनों में देंगे या कुछ सीजन में देंगे, कैसे देंगे. एंड माइक्रो मीन्स वंस यू चूज द मैक्रो पैटर्न, उसके अंदर जब आप उसको अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ करा कि मैं हर महीने ऐड देना चाहती हूँ कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर. अब हर महीने में आप कैसे देंगे, एक महीने में आप वीकली देंगे या मंडे देंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे देंगे, वो आपकी माइक्रो स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम होगी, राइट. सो मूविंग ऑन टू मैक्रो स्केड्यूलिंग पैटर्न, इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर एग्जाम्स इन योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. मैक्रो स्केड्यूलिंग पैटर्न्स चार हो सकते हैं. फर्स्ट वन है कॉन्टिन्यूटी स्केड्यूलिंग, विच मीन्स कि आपका जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो आप इवनली स्प्रेड करेंगे थ्रू आउट द ईयर. सो इफ़ आई हैव टू स्पेंड फ्रॉम 2021 टू 2022, ये मेरा ईयर है एडवर्टाइजिंग बजट का, तो जो मेरा बजट होगा मैं वो इवनली स्प्रेड करूँगी और पूरा साल अपनी ऐड दिखाऊंगी. दिस इज़ कॉन्टिन्यूटी स्केड्यूल. दिस इज़ सूटेबल फॉर वॉट. नाउ यू कैन यूज़ योर माइंड, डू अ लिटिल ब्रेनस्टॉर्मिंग कि ऐसा जो स्केड्यूल है वो किन प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल है. ऐसा जो स्केड्यूल है वो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल है जो कंज्यूमर्स थ्रू आउट द ईयर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ख़रीदते हैं, जैसे कि आपके FMCG प्रोडक्ट्स, राइट, शैम्पू, बिस्किट्स, चिप्स, आटा, दाल, चीनी, चावल, आप इनकी ऐड देखते होंगे थ्रू आउट द ईयर बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग देम थ्रू आउट द ईयर. सो वो कॉन्टिन्यूस एड्स आती हैं. अनदर स्केड्यूलिंग पैटर्न इज कॉन्सेंट्रेशन पैटर्न, कॉन्सेंट्रेशन स्केड्यूल, विच मीन्स कि हम जो हमारा पूरा बजट का हमें ये पैसा मिला था वो हम एक टर्म में करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन स्केड्यूल. हम बोल रहे हैं कि 2020 से 2021 में हमें जो पैसा मिला वो हम स्पेंड करेंगे खाली इस पीरियड में, राइट. ये क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि सीजनल हो और वो एक ही
एक पर्टिकुलर टर्म में खरीदे जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गीजर्स या हीटर्स की बात करूँ, वो हम ठंड में यूज़ करते हैं. सो आर कंपनी डिसाइड्स कि हम जब अपनी एड दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे नवंबर से फेब मंथ्स में. सो दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन. आर एंटायर बजट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू मंथ्स, और बाकी मंथ्स में हम ऐड नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो इररेलेवेंट है. थर्ड पैटर्न इज द फ्लाइटिंग और बर्स्टिंग स्केड्यूल, विच मीन्स कि आप ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग करेंगे. कुछ मंथ्स में हाई होगी और कुछ मंथ्स में लो होगी. सो अगर हम बोले कि ये आपका ईयर है 2020-21, आप कुछ कुछ मंथ्स में हाई कर रहे हैं क्योंकि तब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल, आप देखिए गोल्ड या गिफ्ट, गोल्ड लाइक गोल्ड ज्वेलरी होती है जो, या गिफ्ट पैक्स होते हैं जो, उनकी डिमांड तभी होती है जब वो मैरिज सीजन होता है या कोई फेस्टिवल सीजन होता है. सो उस पीरियड में आप ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे तो लॉजिक बनता है. सो दिस इज़ बर्स्टिंग स्केड्यूल कि हम जब भी फेस्टिव सीजन आएगा, जैसे दिवाली आई, मैरिज सीजन आया, हम तब अपनी एडवर्टाइजिंग करेंगे ज़्यादा, हम अपना बजट तब ज़्यादा लगाएंगे. एंड द लास्ट वन इज़ पल्सिंग स्केड्यूल, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड बर्स्टिंग स्केड्यूल. इसमें हम क्या करेंगे, हमारा पूरा साल है जैसे, इसमें हम कॉन्टीन्यूस एड्स तो देंगे जैसे हम कॉन्टीन्यूटी स्केड्यूल में दे रहे हैं, लेकिन जब जब डिमांड हाई होती है तब हम उन महीनों में ज़्यादा देंगे. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, आप सबने सुना होगा सारे गामा कारवां, जिसमें हम प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग्स बेच रहे हैं. सो इसमें क्या होता है, आप देखोगे उसकी एड थ्रू आउट द ईयर आती रहती है ऑन एंड ऑफ, लेकिन मदर्स डे आ रहा है, फादर्स डे आ रहा है, या कोई दिवाली आ रही है, कोई ओकेजन आ रहा है, तब वो उसको रीपैक करके वैसे बेचते हैं कि मदर्स डे के लिए ये बेस्ट गिफ्ट है, तब उनकी एड वहाँ पे बढ़ जाती है और वो उस ओकेजन स्पेसिफिक से अपना प्रोडक्ट लिंक करके एडवर्टाइज ज़्यादा करते हैं. सो मदर्स डे स्पेशल हो जाता है, या फादर्स डे स्पेशल हो जाता है, या दिवाली पे कुछ नया कीजिए, अपने पेरेंट्स को ये दीजिए. सो कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, लेकिन जब जब कुछ इवेंट आ रहे हैं तब आपकी वो ज़्यादा हो जाती है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द फोर पैटर्न्स. कॉन्टिन्यूटी मीन्स कि आप इवनली स्प्रेड कर रहे हैं. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कि आप एक टर्म में दे रहे हैं. फ्लाइटिंग या बर्स्टिंग मीन्स कि आप कभी ज़्यादा दे रहे हैं, कभी कम दे रहे हैं. ज़्यादा कब दे रहे हैं, जब डिमांड ज़्यादा होगी उस प्रोडक्ट की. एंड पल्सिंग मीन्स आप कॉन्टिन्यूसली तो दे ही रहे हैं, लेकिन जब जब कोई ओकेजन आता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तब आप उसको ज़्यादा कर रहे हैं. राइट. नाउ अब आप इन चारों में से कौन सा पैटर्न चूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे. सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया स्केड्यूलिंग पैटर्न्स आर दीज. नंबर वन, सीजनैलिटी. आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिवाली पैक बेच रहे हो, उस पर दिवाली पैक लिखा हुआ है, तो वो पूरा साल नहीं बिकेगा. दोज आर फेस्टिव पैक, दिवाली पैक, रक्षाबंधन पैक्स. सो दे विल बी एडवर्टाइज इन दैट पर्टिकुलर, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल्स. अगर आप उसको पूरा साल ऐड दोगे तो लोग राखी पर ही खरीदेंगे राखी का गिफ्ट पैक. वाइल इफ योर प्रोडक्ट इज़ नॉन सीजनल, लाइक आटा बिस्किट दाल चावल द FMCGs, तो आप पूरा साल उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं. सीजनल प्रोडक्ट सीजनल टर्म में आप एडवर्टाइज करेंगे तो बेहतर है. और अगर आपका थ्रू आउट द ईयर चलने वाला प्रोडक्ट है, तो आप उसको थ्रू आउट द ईयर एडवर्टाइज करेंगे. सेकेंड वन इज प्रोडक्ट परचेज साइकिल. दो परचेजेस के बीच में कितना गैप है. फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेड और वैक्यूम क्लीनर को कंपेयर करें, ब्रेड हम हर दिन या हर ऑल्टरनेट डे खरीदते हैं, राइट. लेकिन वैक्यूम क्लीनर हम एक बार ही खरीदते हैं और फिर जब तक वो ख़राब नहीं होता, एक साल, दो तीन साल तक नहीं खरीदते. सो वैक्यूम क्लीनर की ऐड डेली बेसिस पर देने का आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ब्रेड बिस्किट वगैरह की ऐड आपको कॉन्टीन्यूस बेसिस पे देनी पड़ती है. थर्ड वन इज़ डिसीजन मेकिंग एंड कंजम्पशन गैप. ओके. सो ऐसा हो सकता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल शैम्पू खरीदना है, आपने डिसाइड करा आपने कौन सा शैम्पू खरीदना है, और आप उसी दिन या अगले दिन जाके खरीदा है. सो जब आपको कंज्यूम करना है और जब आपने डिसाइड करा, उसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम है, गैप कम है.
लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें वेकेशन से, फॉर एग्जांपल आप फैमिली वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, समर वेकेशन में बच्चों का समर वेकेशन ब्रेक है, विंटर वेकेशन ब्रेक है, या कपल को अपनी एनिवर्सरी पे जाना है, तो आप कैसे डिसाइड करते हो? जिस दिन एनिवर्सरी है उसी दिन आप बुकिंग करते हो? नो, यू डिसाइड, यू प्री डिसाइड एंड प्री बुक द थिंग्स इन एडवांस। तो आपको ऐड कब देनी है? जब लोग डिसाइड करते हैं, ना कि जब कंज्यूम कर रहे हैं उसको, इन इन केसेस में, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है। तो अगर समर ब्रेक आप देखो, अगर आप समर वेकेशंस में कहीं जाना चाहते हो और आप उसी टाइम करोगे बुकिंग, तो आपकी फ़्लाइट्स और आपके होटल्स के रेट ज़्यादा होंगे, इसलिए लोग 4-5-6 महीने से पहले से ही बुकिंग करके रखते हैं। सो आपको ऐड कब देनी चाहिए? जब लोग डिसाइड कर रहे हो। सो आप देखोगे कि पहले से ही आने लग जाती है, कोई क्रूज़ है या कोई वेकेशन है, वहाँ पे जो बुकिंग्स हैं आप देखते हो, डिस्काउंट्स आ जाते हैं पहले ही, स्पेशल पैकेजेस आ जाते हैं 4-5 महीने पहले से, जब वो कंज्यूम होएगा, जब हम एक्चुअल वेकेशन पे जाएंगे। सो यू हैव टू सी व्हेन यू हैव टू गिव द एडवर्टाइजमेंट फॉर योर प्रोडक्ट, डिपेंडिंग कि उसमें कंजम्पशन और डिसीजन मेकिंग में कितना गैप है। नेक्स्ट वन इज़ बायर टर्न ओवर, विच मीन्स द रेट एट विच न्यू बायर्स आर एंटरिंग द मार्केट। अगर आपकी पॉपुलेशन ऐसी है कि आपकी जो टारगेट मार्केट है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है, तो आपको कॉन्टिन्यूस एड्स देनी ही पड़ेंगी। अगर आपकी एक स्टैगनेंट मार्केट है कि जितने लोग थे उतने ही हैं, सैचुरेशन पॉइंट है, और इसमें नए बायर्स बहुत स्लो रेट पे ऐड होते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा ऐड देने का ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन इज़ फॉरगेटिंग रेट, द रेट एट विच बायर्स फॉरगेट योर ब्रांड। अगर आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर सारे प्रोडक्ट्स के एक ही जैसे फीचर्स हैं, और टेंडेंसी है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके ब्रांड को भूल जाएं, या वो आपके ब्रांड और कॉम्पिटिटर के ब्रांड में डिफ्रेंशिएट ना कर पाएं, तो आपको ज़्यादा ऐड देने की ज़रूरत है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ऐड देने की ज़रूरत है, सो दैट कंज्यूमर्स और द बायर्स रिमेंबर योर ब्रांड। सो अगर आपका फॉरगेटिंग रेट ज़्यादा है, लोग आपको जल्दी से भूल जाते हैं, तो आपको उनको बार बार अपनी ऐड से, ऐड के थ्रू अपने आप को याद कराना पड़ेगा। वेयर एज इफ़ पीपल रिमेंबर योर ब्रांड इज़ यूनिक एंड यू हैव लेस अ कॉम्पिटिशन एंड पीपल रिमेंबर यू, देन यू नीड नॉट इन्वेस्ट इन कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजिंग। सो दीज वर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मीडिया स्केड्यूलिंग। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉप डिसीजन विच इज़ टू बी टेकन फॉर मीडिया प्लानिंग, क्योंकि आपकी टाइमिंग बदल सकती है सब कुछ। आप किस टाइम पर ऐड दिखा रहे हो, अगर आप रेलिवेंट टाइम पर पहुँच रहे हो कंज्यूमर्स तक, तो वो आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जबकि अगर आप ऑफ टाइम पर एड्स दे रहे हो, तो लोग आपके एडवर्टाइजमेंट को जब तक प्रोडक्ट खरीदना है तब तक भूल जाएंगे, राइट? सो इफ़ आई एम गिविंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ माई हीटर इन समर ब्रेक, जबकि ज़रूरत नहीं होती, तो विंटर्स तक वो ब्रांड का नाम याद रखना विल बी डिफ़िकल्ट। इट इज़ ऑब्वियसली बेटर दैट यू स्टार्ट गिविंग योर एडवर्टाइजमेंट व्हेन द विंटर्स आर अप्रोचिंग। So you have to be very thoughtful as to when you have to place your ads, and this was the fourth decision in media planning, that is media scheduling, that is deciding the timing of your ad. आप अपने जो media आपने choose करा उसमें ad कब देंगे वो है आपका media scheduling. I hope the topic is clear to you, and for any doubts please feel free to leave a comment section to leave a comment in the section below. And we will soon meet with the last decision of media planning, which will complete your topic of media planning. And जब वो 5 decisions आपको समझ आ जाएंगे, तो आप किसी भी product के लिए या किसी भी service के लिए, if you are studying as a student, तो आप media plan develop कर पाएंगे, right? You have to be very clear with the theory to apply it in the case-based questions and to apply it in the real life. आप जब भी कोई product या service की ad देखेंगे, तो आपको समझ आना चाहिए कि ऐसे decisions लिए जाते हैं या ये चीज़ें important हैं. So I hope you are keeping with me and you are enjoying the lectures, and see you soon with the next lecture. Thank you and have a good day.